हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंस्टेंट अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी, तीखा और चटपटा अचार है जिसको कि हम सब्जियों के साथ बनाएंगे। ये वाला जो अचार है छोले भटूरे के साथ मार्केट में सर्व किया जाता है और हमें खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको घर में बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और आप इसको लंच में, डिनर में, रोटी, पूरी, पराठे किसी के साथ भी या फिर दाल चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। कैसे बना सकते हैं छोले भटूरे वाला बहुत ही टेस्टी चटपटा अचार, इंस्टेंट अचार, जिसको कि सिर्फ हम 5 मिनट में बनाएंगे, बहुत आसानी के साथ बनाएंगे और आप इसको पूरे 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख के स्टोर भी कर सकते हैं और आप इसको धीरे धीरे खा सकते हैं। तो आप इसको छोले भटूरे के साथ खाएं, राजमा चावल आपने बनाया हो, रोज के दाल चावल आप खा रहे हो, तो कोई भी सब्जी आप खा रहे हो, पनीर की सब्जी खा रहे हो, तो सभी के साथ ये जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो कैसे आप बना सकते हैं गाजर हरी मिर्च का ये टेस्टी अचार, आइए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को हमने यूज़ किया है और गाजर हमने लिए, एक गाजर को हमने इस तरह से छीलकर लंबे लंबे पीसेस में कट करके रख लिया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं एक मूली लेकर मैंने छीलकर इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काट कर रख लिया है। 2 नींबू लिए, 2 नींबू की भी हमने यहाँ पर 4 फांके कर लिए हैं। थोड़ा सा अदरक ले लिया, अदरक की भी मोटी मोटी फांके कर ली, छोटे छोटे पीस कर लिए। इसके अलावा हरी मिर्च लिए 10 से 15, उसको भी लंबाई में काट लिया है, धोकर डंठल हमने हटा दिए। तो यहाँ पर जो सब्जियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, अपनी पसंद की कोई भी सब्जी आप ले सकते हैं और जो ना पसंद हो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर बेसिकली एक मसाला हम बनाकर तैयार करेंगे जिसको कि पचफोरन मसाला बोलते हैं और इसको हम तड़के में यूज करेंगे। इसके लिए मसाले हमें क्या चाहिए देख लीजिए। आपको लेना है एक बोल, इसमें डालना है 1/2 चम्मच के करीब मस्टर्ड सीड्स, यानी कि राई के दाने डाल सकते हैं या फिर सरसों भी ले सकते हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच हम जीरा डालेंगे, कच्चा जीरा है ये। सौंफ डालेंगे, साबुत सौंफ है कच्ची, 1/4 चम्मच। 1/4 चम्मच इसमें कलौंजी डालेंगे जिसको कि मंगरेल भी बोलते हैं। और इसमें 7 से 8 दाने हम डालेंगे मेथी के, जिसको कि फेन्यूग्रीक सीड्स बोलते हैं। ये आपको बहुत कम क्वांटिटी में लेने हैं, मिक्स कर लेना है और ये मसाला हमारा रेडी हो गया। इसके साथ ही एक तैयारी हमें और करनी होगी। तैयारी क्या फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये सिट्रिक एसिड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं लास्ट में खटास के लिए, अचार को खट्टा करने के लिए, या फिर नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो ठेले वाले होते हैं छोले भटूरे वाले, वो लोग क्या करते हैं, जिस सीज़न में नींबू सस्ते होते हैं तो नींबू यूज़ करते हैं, वरना इस तरह से सिट्रिक एसिड डाल देते हैं। तो जितना अचार मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें आपको सिर्फ 1/4 टीस्पून के करीब सिट्रिक एसिड डालना है, क्रिस्टल्स डालने हैं जिसको कि नींबू का सद बोलते हैं, तो ये आपको यूज़ करना है। अब आइए अचार बनाना शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई में डालें 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है और ऑयल को हमें अच्छे से हीट करना है, गरम करना है। इसके बाद में इसमें तड़के वाला मसाला हम डाल देंगे, अच्छे से इसको स्प्लटर होने देंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो मस्टर्ड सीड्स हैं, राई के दाने अच्छे से भुन जाएं, साथ ही मेथी भी भुन जानी चाहिए लेकिन जलने ना पाए। आप चाहें तो सारे मसालों को अलग अलग भी डाल सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर आपको दिखाना था, मुझे इजी लगा इसलिए मैंने सारे मसालों को मिक्स करके डाल दिया एक बार में। तो देखिए सारे मसाले बहुत अच्छे से इनमें चटकन आ चुकी है, अच्छे से चटक चुके हैं। तो अब इसमें जितनी भी सब्जियां हमने ली थी सभी कुछ हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी सब्जियां मैंने आपको सिखाई है वो सीजन के हिसाब से हैं, सीजन में अगर अवेलेबल है तो आप डालें। जो बाजार वाले होते हैं छोले भटूरे वाले, वो लोग भी ऐसा ही करते हैं, तो जो सब्जियां उस समय सस्ती होती हैं वो लोग वो डालते हैं और जो महंगी होती है उसको हटा देते हैं। तो जैसे अगर मूली का सीजन नहीं है तो मूली हटा दीजिए आप, अगर नींबू महंगे है तो नींबू हटा सकते हैं आप, मूली सस्ती है तो मूली डाल सकते हैं, महंगी है तो हटा सकते हैं, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो अचार है मेनली वो लोग उसमें गाजर और हरी मिर्च तो डालते ही हैं, या सिर्फ गाजर का बना लेते हैं और हरी मिर्च अलग से, हरी मिर्च का अचार अलग से डाल लेते हैं। अच्छे से देखिए सौते किया है हमने इसको, अच्छे से 1 से 2 मिनट सौते करके इसमें डालें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे हम। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब छोले मसाला, जिससे कि बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा आपके इस अचार का, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है सफ़ेद नमक, 1 चम्मच काला नमक डालेंगे, अचार है तो नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। 1 चम्मच के करीब डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डालें, मिक्स करेंगे हम, क्योंकि लास्ट में इसमें खटास के लिए अभी आपको नींबू का रस यूज़ करना है, नींबू का सीज़न है अभी और काफ़ी सस्ता होता है इस समय नींबू, तो हम इसमें नींबू का रस डाल रहे हैं, वरना आप इसमें सिट्रिक एसिड यानी कि नींबू का सद भी डाल सकते हैं। अब सारे मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, पर इससे पहले एक चीज़ और ऐड करेंगे हम जिससे हमारा अचार काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। ये है मस्टर्ड सीड्स पाउडर, यानी कि राई या सरसों आपको लेनी है, उसको मिक्सी में आपको पीस लेना है, दरदरा पीस लेना है और वो डाल देना है। तो आपने देखा होगा ये वाला अचार खाया होगा तो उसमें आपको दिखाई पड़े होंगे
राई के दाने भी, पिसी हुई राई, तो वो हमें डाल देनी है। इससे खटास भी आएगी अचार में धीरे धीरे, साथ ही अचार जो है खराब नहीं होता है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो अब देखिए, आधी चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है ताकि हमारे अचार का कलर अच्छा आए। मिक्स कर लिया मैंने अच्छे से। इसमें मैंने फूड कलर का यूज़ नहीं किया है, मार्केट वाले फूड कलर का यूज़ करते हैं। और 2 टेबलस्पून के करीब आपको इस तरह से पानी डालना है और इसको ढक देना है इस तरह से। ऐसा करने से क्या होगा, जो सब्जियां हैं हल्की सी गल जाएंगी। सिर्फ इसको हमें 2 मिनट के लिए ढकना है और बस इसको तुरंत से हम मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा था, मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको ढककर 2 मिनट तक कुक कर लिया। बस ये अचार हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। गैस को आप ऑफ कर दीजिए और इस अचार में आप तुरंत से नींबू का रस डाल दीजिए। चाहे तो कढ़ाई में डाल सकते हैं या फिर जिस बर्तन में भी आपको इसको स्टोर करना हो उसमें भी आप नींबू का रस डाल सकते हैं। अगर आप सिट्रिक एसिड क्रिस्टल्स डाल रहे हैं ना, तो इसी पॉइंट पर डालें। जब ये गर्म है तभी डालें, क्योंकि सिट्रिक एसिड तभी जाके अच्छे से थोड़ा सा डिसॉल्व हो पाएगा, घुल पाएगा। अचार में मैंने यहाँ पर नींबू का रस डाला था, जो कि मैं यहाँ पर शूट करके आपको दिखाना भूल गई हूँ। एक्चुअली मैंने डाला था पर वो क्लिप मिक्स हो गई, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। आप इसमें 1 नींबू का रस निचोड़ दीजिएगा, अचार थोड़ा खट्टा हो जाएगा। नमक बिल्कुल सफिशियंट होना चाहिए, यानी कि नमक कम नहीं होनी चाहिए, खटास भी प्रॉपर होनी चाहिए, तभी ये अचार खाने में टेस्टी लगता है। तो नींबू हल्का सा गल जाता है तो आप नींबू को निचोड़ भी सकते हैं या फिर एज इट इज खा भी सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी अचार है, इस तरह से आप बनाकर जरूर देखिएगा। छोले भटूरे, राजमा चावल, पनीर की सब्जी, रोज के खाने, किसी के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी लिखकर जरूर बताइएगा, बनाने के बाद में फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। इसके अलावा मुझे लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको मुझसे कौन सी नई रेसिपी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, लव यू, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।